हेलो दोस्तों, आप सब शायद मेरे से अग्री करेंगे, स्पेशली लेडीज़, कि हम लोग तो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं बची हुई सब्जी को भी। तो मेरे पास पड़े थे मेथी आलू, इसका पराठा इतना बढ़िया बना कि सोचा रेसिपी शेयर करूं। मैंने मेथी आलू लिया और उसे मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया, इसे अच्छे से मैश किया, साथ में मेरे पास पड़ा हुआ एक उबला हुआ आलू था मैंने वो भी डाला, नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ज़्यादा मॉइस्चर लगे तो थोड़ा सा ओट्स डालें। साथ में डालेंगे हम प्याज, धनिया, अदरक और हरी मिर्च। मसालों में जाएगा अमचूर, काली मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर और साथ में हींग। हींग ज़रूर डालिए क्योंकि सब्ज़ी हमारी बची हुई है तो ये एसिडिटी नहीं करेगी। नमक याद रखिए उसी हिसाब से डालें कि सब्ज़ी में ऑलरेडी नमक है। फिर हमने आटे की लोई लेनी है चपाती से थोड़ी सी बड़ी और इसे रोल करेंगे, इसे स्टफ़ करेंगे। देखिए आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे करना है। स्टफिंग बहुत ज़्यादा पहली बात तो नहीं भरनी है, इसे अच्छे से सील कीजिए और इसे रोल करते टाइम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बीच में से फट सकती है। जब तक ये मैं रोल कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पसंद कर रहे हैं मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसे रोल करेंगे, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये फट जाएगा बीच में से। अगर लगे कि थोड़ा सा फट रहा है तो सूखा आटा और लगाएं ऊपर से। फिर स्किलेट मैंने गरम कर लिया है, ऑयल से ग्रीस करेंगे और अपने मनपसंद क्रिस्पीनेस तक इसको पकाएंगे। चाहें तो बिना ऑयल के भी इसको पका सकते हैं। फिर इसे दही, बटर, मनपसंद की चटनी के साथ कर सकते हैं सर्व। चटनी का मैंने लिंक दे दिया है आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। मैंने लिया है मिंट चटनी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैंने शेयर ऑलरेडी कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स कितना मज़ेदार लग रहा है अपना पराठा। होप सो फ्रेंड्स पसंद किया है आज का वीडियो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफाइड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।